आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस हो सकती। आपने पवित्र आत्मा को पा लिया, हाँ, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है, वो आपको छूता भी है जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको महसूस भी होता है कई बार कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की प्रेजेंस कुछ नहीं कर सकती जब तक उसने वचन को नहीं पाया, क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था और कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ। इसीलिए अगर एक विश्वासी वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं, उसे यह नहीं मालूम कि परमेश्वर का आत्मा जो आपने पाया है वो अपने आप काम नहीं करता जब तक आप वचन अपनी लाइफ के ऊपर नहीं बोलेंगे तो। हालेलुया। और जैसे आप वचनों को बोलते हैं, बाइबल कहती कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। हालेलुया। और जैसे आप वचनों को बोलना शुरू करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, आप वचन को पढ़ते हैं रोज, वचन को बोलते हैं रोज, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपकी रिपोर्ट में आया, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपको लग रहा है, आप वो बोलेंगे जो बाइबल कहती है। क्योंकि आपको वो पैदा करना है जो मेडिकल साइंस पैदा नहीं कर पाई आपकी लाइफ में, जो हीलिंग है, जो डिलीवरेंस है, आपको वो पैदा करना है जो लोग और रिश्तेदार आपकी लाइफ में पैदा नहीं कर पाए, वो बरकत, वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो फाइनेंशियल कर्सिस से आजाद होना। आपको वो चीज चाहिए जो कोई नहीं कर सका, तो आपका तरीका भी अलग होगा जिस तरह बाइबल का तरीका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इमोशन से हटके, भावनाओं से हटके, जो लग रहा है, जो दिख रहा है, जो सोच रहे हैं उससे हटके, आपको वो बोलना है जो वचन में लिखा हुआ है। इसहाक शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए जाता था, क्योंकि 20 साल से उसकी वो पत्नी बांझ थी जो परमेश्वर ने खुद भेजी थी आवाज देके उसके बाप के नौकर को। अब उसके बाप के नौकर को परमेश्वर ने खुद निशानियां दी कि ये वही लड़की है जो तेरे मालिक के बेटे के साथ ब्याही जाएगी। और जब वो लड़की को वो लेके आया और इसहाक को दिखाया और इसहाक को बोला कि ये तेरी पत्नी है, उसने कहा अच्छा ये परमेश्वर ने दी है, उन्होंने कहा ठीक है। और बाइबल कहती 20 साल उनके कोई भी संतान नहीं हुई और वो शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। और जब शाम को क्या ध्यान करता था वचन का, कि जो वचन में लिखा हुआ वो अपने आप पूरा नहीं होता, आपको उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, आपको बार बार उस पर मनन करना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है और उसको अपनी आत्मा में बार बार फीड करना पड़ता है अपनी आत्मा को। चाहे आपको लगे कि असर हो रहा है, चाहे आपको लगे असर नहीं हो रहा, पर आपको लगातार उस वचन से अपने आप को फीड, अपने आप को खिलाना होता है आपको वचन बार 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 बार। बाइबल कहती जो परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं, उसने ये नहीं कहा जो हाहें भर भर के परमेश्वर का वचन मानते हैं, उसने कहा जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। वो नहीं जिसने सिगरेट छोड़ी और दूर से कोई सिगरेट पी रहा है, देखो यार पूरा दिल कर रहा है सिगरेट पीने का और दिल में दुखी हो रहा है मैं क्रिश्चियन बन गया। ये अभी भी बॉन्डेज है, ये अभी भी बंधन है, ये सही चीज नहीं है। ये निशानी है कि अभी तक आप डिलीवर नहीं हो पूरी तरह से, अभी तक आप फ्लाइट लेने के लिए, आत्मिक उड़ान भरने के लिए आप तैयार नहीं हो। ये निशानी है इस बात की, अभी भी आपको ब्लू फिल्म देखने का अटैक होता है। ये निशानी है कि आप फ्लाइट लेने के लिए तैयार नहीं हो। अभी भी शराब पी के करता है यार की करिए यार, फंस गए यार, चल ले आओ यार दो पैग, इसका मतलब अभी आप तैयार नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं, जिसके लिए अब ये चीजें कचरा बन चुकी हैं, उसे कोई मतलब नहीं, वो इग्नोर करता है इन चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें उस पर अटैक नहीं करती या उसका दिल नहीं करता, पर उसको मालूम है ये नथिंग है, ये जीरो है, ये बेइज्जती करवाने के लिए है, ये डाउन करवाने के लिए है, ये परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए है, ये अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा, अपनी लगाई हुई परमेश्वर की आग पर पानी डालने के लिए। तो आप इनसे दूर रहेंगे और आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेंगे। उसने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आहें भर भर के नहीं करेगा, उसने कहा तुम तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। तेरा वंश, तेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होंगे। इमेजिन करो इसहाक इसी वचन के साथ वो मनन करने के लिए जाता होगा कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न हूं। उसे कोई मलाल नहीं कि जो पत्नी परमेश्वर ने भेजी वो 20 साल से बांझ है, उसके पास खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसे कोई डर नहीं था कि इसका वाली वारिस कौन होगा, ये नौकर चाकर क्या,
उसे कोई चिंता नहीं थी। बाइबल कहती वो अति प्रसन्न था और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर मनन करता था, वचन के ऊपर मनन करता था। और 20 साल के बाद क्या हुआ, जो उसने मनन किया रोज रोज मनन कि मैं उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न हूं, मेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। बाइबल कहती जो उसको दिल और जान से मानते हैं वो धर्मी कहलाते हैं। तो बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा। ये वचन हथियार है अगर आपको मालूम हो तो, क्योंकि एक बात याद रखो, यीशु परमेश्वर के साथ था, कुछ भी यीशु के बिना पैदा नहीं हुआ। आप 20 साल बांझ रह सकते हैं चर्च में रहते हुए भी, जब तक आप इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि वचन बोलने से, वचन मनन करने से मुझे रोज रोज इसको करना है, क्योंकि वचन के बिना अगर तब पैदा नहीं हुआ तो अब भी पैदा नहीं होगा। वो आपके बच्चों के ऊपर वचन आप अंगीकार करें, अपनी सेहत के ऊपर करें, चाहे वो आप अपने बिजनेस के ऊपर करें, चाहे आप अपनी अपनी लाइफ के ऊपर करें, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति अपनी जिंदगी के ऊपर करें, आपको उस वचन को बोलना पड़ेगा बार बार, जो वचन आपके लिए बाइबल में लिखा हुआ। आमीन। पहले आपको ढूंढना होगा कि अगर मैं मुझे बिजनेस की ब्लेसिंग चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर हीलिंग चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर बच्चों की बरकत चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर बच्चे सुधरने चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर मुझे शारीरिक चंगाई चाहिए तो कौन सा वचन है। आज कलीसिया ये सोचती है कि बस ऐसे जाओ प्रभु को बोलो हाय प्रभु बहुत दुखी है, बस प्रभु अपने आप सुन लेगा, उसको मालूम है आप दुखी हैं। पर उसने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के और वचन ही, यानी आदि में एलोहीम था। हां, आदि में वर्ड था, आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी आदि में यहोवा था और यहोवा के साथ कौन था, यीशु, इसीलिए कहा एलोहीम। नहीं तो अगर अकेला यहोवा होता तो बोलते आदि में एलोहा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पर आदि में एलोहा ने की कि एलोहीम ने की, एलोहीम मतलब परमेश्वर और यीशु मसीह। अगर तब यीशु मसीह के बिना, अगर तब वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ तो अब भी वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं होगा। आपको वचन पढ़ना होगा रोज 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 रोज, रिजल्ट आए चाहे अब आए, चाहे 10 साल में आए, चाहे 5 में आए, चाहे 3 में आए, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि आपको रिजल्ट के लिए, आपको आपकी अपनी लाइफ में परमेश्वर के काम को देखने के लिए आपको वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि वर्ड जो है वो आपको कंट्रोल में रखेगा, वचन आपको विश्वास में रखेगा, वचन शैतान की सारी आवाजों को जो आपके मन में आ रही, सारे शक को, सारी आवाजों को, सारी नेगेटिविटी को, सारे पाप की आवाजों को वचन जो है हमेशा बंद करता रहेगा, उसे सीज करता रहेगा, अगर आप वचन के साथ जुड़े रहेंगे तो। बहुत से लोगों को नहीं नहीं मालूम, उन्हें लगता है कि बाइबल एक रिलीजियस पुस्तक है जिसे 5 मिनट कहीं से भी पढ़ लो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल आपके जीवित परमेश्वर का लव लेटर है आपके लिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे आपको मालूम नहीं वो आपसे क्या चाहते हैं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे आपको मालूम नहीं कि ये जो मेरे परमेश्वर ने, मेरे बाप ने मुझे प्यार का पत्र लिखा है उसमें लिखा क्या है। उसने लिखा है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। उसमें लिखा है तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। उसमें लिखा है तेरा वंश बचाया जाएगा। उसमें लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसमें बहुत सी बातें लिखी, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे तो मालूम है मेरे बाप ने मुझे क्या लिखा, क्या आपको मालूम है कि नहीं? शायद इसीलिए जब मेरी लाइफ में हीलिंग नहीं हो रही थी, और मैं आपसे दावा करता हूं, मैं आपको सच कहता हूं कि मैं बाइबल कभी नहीं पढ़ने वाला था। मुझे हीलिंग से मतलब, जब मैं परमेश्वर में आया कि मुझे हीलिंग मिल जाए, डिलीवरेंस मिल जाए, मैं अपने बिजनेस में जाऊं, अच्छा कमाऊं, संडे के संडे चर्च जाऊं, बस ये मेरा विजन था। लेकिन उन दुष्ट आत्माओं के अटैक जब कम होने की बजाय यीशु मसीह में आने के बाद बढ़ गए, कम होने की बजाय बढ़ गए, और कुछ चीजें चंगी हो गई, कुछ बीमारियां चली गई, नशे चले गए, कुछ चीजें शैतान के अटैक बढ़ गए, तो परमेश्वर की आत्मा मुझे एक ही बात बोलती थी कि वचन पढ़। जैसे वचन पढ़ता था अटैक कम होते थे, इस तरह से वचन के साथ मैं जुड़ता रहा। जब वचन के साथ जुड़ता रहा तो वचन जब पढ़ता था तो जब वचन फिर याद होता है आपको कि कहां क्या लिखा हुआ। रोज 6 घंटे पढ़ना पड़ता था, कई बार 5 घंटे, कई बार 7 घंटे रोज वचन। इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए कि मेरे अटैक कम हो जाए। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे अपने वचन में वो
उसने इंट्रोड्यूस किया अपने वचन से मेरे को, और जब रोज वचन पढ़ने की आदत पड़ गई, बाइबल जब रोज खोलनी तो मुझे मुंह जबानी मालूम होना शुरू हो गया, यहाँ वो वचन लिखा है, यहाँ बच्चों के लिए लिखा है, यहाँ बीमारी के लिए लिखा है, यहाँ गरीबी के लिए लिखा है, इस वचन में ये लिखा है। तो जब भी लोगों ने मेरे पास आना, मैंने उसी वचन से उनको बताना। उसने बोला मेरी ये प्रॉब्लम, मैंने कहा रुक जा, टाइम नहीं लगना बाइबल खोलते, बस सीधा टक किया और ये देख क्या लिखा है, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है। क्योंकि जब आपको वचन मालूम हो गया, इसका मतलब आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम हो गई। तो लोगों को यही नहीं मालूम, क्या परमेश्वर सच में चाहता है कि मैं चंगियाई को पाऊं? क्या वो चाहता है कि मैं बरकत को पाऊं? बाइबल कहती धन और घर पुरखाओं के भाग से और बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। लिखा कि नहीं लिखा? उसने ये लिखा धन शैतान से मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धन का लालच, धन का प्रेम आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। लेकिन जब आपको वचन मालूम होता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, महिमा के लिए चाहिए, आप अपने मन में और शांति तरीके से, अपनी लाइफ में और पीसफुली सामर्थ्य से आप इस रीति से चलना शुरू करते हैं और परमेश्वर आप पे दया करना शुरू करते हैं। हालेलुया।